नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और ऐसे कहें कि बहुत बड़ी खुशी की खबर तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, नेपाल का सेकंड सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके लिए ये खुशी की खबर आना बहुत ही आवश्यक था। और अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसके लिए क्या खुशी की खबर आ सकती है, इसका निर्माण हो चुका है वो भी आपको पता है, इसके साथ साथ ये यहाँ पे गौतम बुद्ध जयंती पर खुलने वाला है वो भी आपको पता है, टेस्टिंग फ्लाइट शुरू हो चुकी है वो भी आपको पता है। लेकिन एक चीज जो कि अड़ी पड़ी थी, ऐसे कहें कि अड़चन थी बहुत बड़ी, वो भी अब दूर हो चुकी है। तो कौन सी अड़चन की बात कर रहे हैं, ये बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें आपको पता है कि गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें चाइनीज कंपनी ने काम करके उसको बनाया भी है और उसके साथ साथ यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने सहायता भी करी है। टोटल प्रोजेक्ट की बात करें तो 6.2022 यहाँ पे बिलियंस यहाँ पे हैं और सुविधाएं की बात करें तो एकदम आउटस्टैंडिंग और लग्जरी है, जो कि हमने बहुत सी बार जिक्र किया और उनका बात भी नहीं करना वाले अभी हम, क्योंकि आपको पता है वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे दो दिक्कतें थी सबसे बड़ी, जिसमें से एक दिक्कत आज से 15 या फिर एक महीने पहले सोल्व हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे कंपनियाँ इन्वेस्ट नहीं कर रही थी, यानी कि अलग अलग देशों से कंपनियाँ आके अपनी एयरवेज लगा नहीं रही थी, जिसके कारण फ्लाइटों की दिक्कत आ रही थी। यानी कि इतना बड़ा आपने एयरपोर्ट बना दिया, उसके बावजूद अगर आपके पास फ्लाइट्स नहीं हैं तो आपके पास पैसेंजर नहीं है, अगर आपके पास पैसेंजर नहीं है तो आपका पर्यटन नहीं है, और यही तो इसका पर्पज था ना, जो पर्पज पूरा नहीं हुआ तो ये दिक्कत आ रही थी। दूसरी बड़ी बात कि अगर आपके पास फ्लाइट्स नहीं है तो जो दूसरा इसका रीजन था बनाने का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि गुड्स की चीजें लाना ले जाना यानी कि व्यापार में वृद्धि करना, तो वो भी नहीं, ठप पड़ गया। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम धन्यवाद देना चाह सकते हैं या फिर हम धन्यवाद दे सकते हैं यहाँ पे जो जजीरा एयरवेज है उनका, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कदम उठाया इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए और उन्होंने प्रशिक्षण के लिए हवाई जहाज़ों को दिया और औद्योगिक दृष्टि से उन्होंने जहाज़ें भी दी। अब उसके बाद तो ऐसे समझिए कि कतार लग गई यहाँ पे, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि 10 अलग अलग कंपनियाँ जो कि अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन प्रशिक्षण कंपनियां हैं वो सारी की सारी यहां पे आ गई। मैं आपको बता दूं कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नेपाल एयरलाइंस, जजीरा एयरवेज, कतर एयरवेज, श्रीलंकन एयरवेज और स्माइल थाई एयरवेज ने यहां आने जाने वाली उड़ानों के संचालन में रुचि दिखा दी है, जो कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो चुकी है दोस्तों। और कुछ देशों ने काठमांडू से उड़ानें संचालित करने के लिए नेपाल के साथ द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते को पहले से ही संशोधित कर लिया था, जो कि एक सबसे बड़ी बात थी। चीन से 21 उड़ानें सहित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संचालित होगी, जो कि एक बहुत बड़ी खुशी की बात हो गई। अब दूसरी दिक्कत, एक और बड़ी दिक्कत थी, दूसरी दिक्कत इस एयरपोर्ट को लेकर ये थी कि जो यहाँ पे रास्ता था जो कि इंडिया से जाने वाला था, वो इंडिया नाराज कर रहा था, कहीं ना कहीं इंडिया नाराज था या फिर कहीं ना कहीं असहमति जाहिर कर रहा था, बहुत से रीजन होंगे ऐसे, लेकिन उस पर भी अब सहमति बन चुकी है। उसका बड़ा रीजन बताया जा रहा है 3 दिनों की शेर बहादुर देवबा की यात्रा। जैसे ही उन्होंने यात्रा करी, उसके बाद वो पीएम मोदी से मिले, आदित्यनाथ योगी से मिले, वो गोल्डन टेम्पल के उन्होंने दर्शन किए, एक बहुत बड़ी लग्जरी ऐसे कह सकते हैं कि उनकी ये विजिट रही, और हम कह सकते हैं कि ये भारत की यात्रा ना केवल उनके दर्शनीय स्थलों के लिए थी बल्कि बहुत से प्रोजेक्टों के लिए थी। दोस्तों, वैसे तो 20 ऐसे एमओयू हैं, ऐसे मैंने पहले भी बताया था एमओयू के बारे में कि कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट पर कोई भी तरह के समझौते पर हस्ताक्षर होना ही एमओयू है, तो उस तरह के 20 हैं तो हम यहाँ पे उतने की बात नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे हम उस इम्पोर्टेड जिसकी बात कर रहे हैं उसकी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रास्ता चाहिए था, हवाई मार्ग चाहिए था, उसके लिए भारत की जरूरत थी, और भारत ने अभी यहाँ पे किसी भी प्रकार की आनाकानी ना करते हुए डायरेक्ट रास्ते पर सहमति दर्ज कर दी है और उन्होंने कहा है कि भाईचारा बनाए रखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर बात आए नेपाल की,
क्योंकि नेपाल हमारा सबसे ज्यादा प्रिय मित्र है और अगर बात करें सबसे ज्यादा पुराने मित्र की तो नेपाल ही है और उन्होंने हमारी भी सहायता हर जगह पर हर युद्ध में अपने खून से करी है, तो इस छोटे से कार्य के लिए हम मना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इंडिया ने ये जो रास्ता है वो क्लीन कर दिया है, तो अब यहाँ पे जो गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी अड़चन बची है नहीं, यानी कि अब बस एक ही अड़चन बची है, वो है गौतम बुद्धा जयंती आने तक का इंतजार। उस इंतजार तक तो हमें इंतजार करना ही पड़ेगा और जैसे ही यहाँ पे ये जो गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो चलेगा तो आप सोच सकते हैं कि इसकी इनकम कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है, यानी कि नेपाल के लिए बहुत अच्छा सौदा है। ये हमने बहुत सी बार जिक्र किया, आप नहीं करेंगे, सिर्फ आप इतना बता दीजिए हमें कि यहाँ पे जो शेर बहादुर देवबा की यात्रा थी वो सक्सेस हुई या नहीं हुई, आप इतना जरूर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे को नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।